एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है तो वहीं दूसरी ओर चर्चित डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को उस समय हिरासत में ले लिया गया। अब वो अपना इस्तीफा मंजूर किए जाने की मांग को लेकर सीएम हाउस की तरफ बढ़ रही थी। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं मानी तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। वहीं इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। हम आपको बता दें कि निशा बांगरे समेत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब सेंट्रल जेल के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। निशा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार दलित और महिला विरोधी है। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि महिला हितैषी बनने वाली शिवराज सरकार की असलियत यही है। जानकारी के मुताबिक सीएम हाउस की तरफ बढ़ने से पहले निशा बांगरे ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्हें समर्थन देने कांग्रेस भी पहुंची। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दरअसल छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पदस्थ डिप्टी निशा बांगरे 3 महीने पहले अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं, लेकिन शासन इन्हें मंजूरी नहीं दे रही है। वे अपना इस्तीफा मंजूर किए जाने की मांग को लेकर अड़ी हुई हैं। अब आमला से शुरू हुई उनकी यात्रा मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक पहुंची है। 135 किलोमीटर लंबी यह न्याय यात्रा अलग अलग पड़ाव में 11 दिनों में भोपाल सीएम हाउस पहुंची है। हम आपको बता दें कि निशा बांगरे चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए वे अपने पद से मुक्त होना चाहती हैं। निशा ने कहा कि जन प्रतिनिधि बनने हेतु मेरा त्याग पत्र स्वीकार किया जाए। सिर्फ एक महिला, वो भी अनुसूचित जाति की होने के कारण मेरे स्वतंत्रता के अधिकार से मुझे वंचित न रखा जाए। निशा बांगरे का जन्म बालाघाट में हुआ था। इन्होंने विदिशा के इंजीनियरिंग कॉलेज से 2010 से 2014 के बीच पढ़ाई की। उसके बाद अमेरिका के बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम भी किया। हालांकि ये अपने इस काम के अलावा जन सेवा करना चाहती हैं। इस विचार को लेकर इन्होंने 2016 में MP PSSC की परीक्षा दी और इनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया था। उम्मीद है आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।